WCC का क्वार्टर फाइनल्स हमारे सामने तैयार खड़ा है। अपोनेंट में तैयार खड़ी है TLK। अब आप कहोगे ये कौन सी टीम है भाई साहब, बहुत खतरनाक टीम है। अभी पिछले राउंड में नावी को बाहर कर दिया इन्होंने, समझ रहे हो। इस मैच को जीतते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। WCC के आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना, कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी। आइए चलते हैं सीधा वॉर की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार आए हो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, अपोनेंट को हम ठोक देंगे। The one pro king is the pehla attacker bro, the match of the quarter finals with is the most khatarnak army। पर यार इसकी बिलिंग पहुंच भी पाएगी, बिना वार्डन एबिलिटी के भेज रहा है। ब्लैक माइन लग गई है, एक और लग गई है, पर बिलिंग पहुंच गई है। आर्चर्स भर रखे हैं सीसी में, 5000 आर्चर्स भर रखे हैं सीसी में। आर्मी को कोई डर नहीं है खैर आर्चर्स का, लेकिन अपने को बहुत डर है भाई आर्चर्स का, थोड़ा बहुत तो है। अरे मल्टी टारगेट क्यों नहीं आ रहा, वाह वो मल्टी टारगेट को मारिच नहीं रहे हैं भाई, पूरे टाइम वहीं पे आर्चर घुमाते रहेगा और मल्टी टारगेट मार रहे हैं। मेरे को तो चश्मा उतारने का मन कर गया गाइस, किलस गया हूं मैं इसको देख के, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं आर्चर्स। ना तो मोनोलिथ निकाला ना मल्टी टारगेट मारा, चलो कोई नहीं देखेंगे हम इसको भी। पर कम से कम रेज टावर नहीं है वहां पे, रेज टावर होता तो जीवन की सर्वनाशी हो जाती। हमला खतरे में नजर आ रहा है थोड़ा सा, किंग एबिलिटी दे दी गई है। पर अब ये जो मल्टी टारगेट है ना, ये रोस्ट करेगा यार क्वीन को, वार्डन एबिलिटी दे दी है। नाइस नाइस, आइस गोलम फटा, मर गई आरसी, मर गई आरसी, आरसी मर गई भाई, मर गई आरसी, अपोनेंट की आरसी के हत्ते चढ़ गई। अरे बच गई, अरे क्वीन के पास एबिलिटी है पर मल्टी टारगेट इन्फर्नो भी तो है, मल्टी को कौन निकालेगा, मल्टी को कल्टी करो किसी तरह भाई, कम ऑन आरसी, यू कैन डू इट, स्टिल यू कैन डू इट। नहीं कर पाएगी यार, अपोनेंट किंग की हेल्थ देखो कितनी ज्यादा है, पर हेड एंटर है नहीं। अरे मार दिया किंग, अरे कैसे मार दिया, अरे भाई जैसे वैसे पता नहीं कैसे मार दिया, वन प्रो ने तो भाई ट्रिपल ही मार दिया। सबसे पहला अटैक मेरे ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं ताकि मैं भूलू ना। क्वीन चार्ज हाइब्रिड, ऐसा क्यों कर रहा मेरे ऊपर ये, तीन उतार दिए भाई, मल्टी टारगेट कंपार्टमेंट को टेक डाउन करना चाहता है ये। वॉल ब्रेकर आ गया, आर्टिलरी गो वेंट गोन, कुछ आर्चर्स निकलेंगे सीसी में से, अरे अरे आर्चर पहुंच गए हीलर्स के पास, हीलर को मार रहे आर्चर, और आर्चर निकल गए, फ्रीज लग गई है, हेड एंटर भी है ना, टेंशन हो गई है भाई, टेंशन हो गई है खिलाड़ी को, अटैकर को टेंशन हो गई है, आर्चर ने परेशान कर दिए हीलर्स। क्वीन की हेल्थ कम है, क्वीन अगर यहां मर गई कोई वापसी नहीं है फिर अटैक की, और क्वीन को बचा लिया गया, जीरो एचपी पे, और बाप रे बाप रे बाप, बिल्कुल जीरो एचपी पे फिनिक्स ना के फिर बचा लिया क्वीन को। ये इस जन्म में मरेगी क्वीन या नहीं मरेगी, मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई। अप्रेंटिस वार्डन बचा हुआ है, टीएस सेक्शन में रॉयल चैंपियन जाएगी वार्डन एबिलिटी के साथ, ग्राउंड स्केलेटन ओपी, वार्डन एबिलिटी यार अभी भी है,
पर दे ही नहीं रहा वॉर्डन एबिलिटी है, दे ही नहीं रहा है वॉर्डन एबिलिटी अब दी है किंग को मारने के लिए, ताकि एडेंटर से किंग को मारा जा सके। नहीं मार पाएगा, रॉयल चैंपियन भी वैल्यू नहीं निकाल पाएगी यहां पे। एम्बोस बेस ओपी बोलते गाइस, बुड्ढा वैल्यू निकाल लेगा थोड़ी बहुत, 70% की वैल्यू अगेंस्ट टीएल के। अभी पिछला मैच नावी को हरा के आए 73 74 5। तो भाई पहले अटैक के बाद तो ठीक ठाक लीड है अपने पास 76 ही रह जाएगा ये। द तनवर साहब द नरूटो ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस विद हिज माइटी आर्मी सुपर ड्रैगन्स। ऐसा गाइस हमने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज कर दी है, पहला दूसरा अटैक वन प्रो एंड तनवर के नाम पे हमने लिख दिया है। तो यही लोग सबसे पहले अपना बढ़िया पसंद का बेस क्लेम करते हैं, ताकि हम चाहते हैं ये धनाधन ट्रिपल मारे बस। मैंने अपना खेलने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हो गया हूँ इसमें ओपनर से। आजकल डीसी में 5000 आर्चर्स हैं और वो निकलते ही जा रहे हैं और निकलते ही रहेंगे। कोर में जाके अगर ये सुपर ड्रैगन किसी तरह बच गए, सीसी को टेकडाउन कर लें तो कुछ हो सकता है, क्योंकि सीसी में अभी आइस गोलम हो सकते हैं। एक ही सुपर ड्रैगन बेचारा बचा हुआ है और बेस अभी बहुत बचा हुआ है। क्वीन एबिलिटी जा चुकी है जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं, किंग की एबिलिटी भी जा चुकी है और बुरी बात है। तो स्पेल तो बहुत बचे हैं, फ्रीज कर भाई, आइस गोलम निकल गए, आइस गोलम भर रखे हैं भाई सीसी ने, मल्टी को फ्रीज करना पड़ेगा, एक और फ्रीज लगानी पड़ेगी शायद। अच्छी बात यह है कि किंग बचा हुआ थोड़ी सी एचपी पे, आरसे की एबिलिटी जाने वाली है, एक हेड एंटर है यहां पे। फ्रीज बहुत बेहतरीन डाली है भाई, अगर मल्टी आ गया तो बेस कल्टी हो जाएगा, पर मल्टी नहीं आया। आ गया। क्वीन के पास हेल्थ है, इनविजिबल डाल के क्वीन को बचाया जा रहा है। अरे यार ये किंग वापिस आ रहा है, घोड़े को मार रहा है, बे फालतू का किंग है गाइस, कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए बेचारे के पास। घोड़ा होता तो 3 स्टार इजीली होता, 100% होता, पर अब घोड़ा नहीं है। अरे यार घोड़ा होता तो काम बन जाता, 95% 96% अटैकर नंबर दो तनवर साहब के ऊपर गो वेंट गोन। 7 जैप लेकर आया बंदा, 7 जैप, मोनोलिथ को जैप मारेगा क्या, और सुपर ड्रैगन भी लेकर आया। अब जैप किस चीज को मारेगा मालूम नहीं, आर्टिलरी को जैप मार दिया, मार दी भाई आर्टिलरी जैप, एयर रेस्ट टावर भी जैप मार दिया। इस अटैक से मेरे को डर लग रहा है, अभी तक किसी और अटैक से तो डर नहीं लगा, पर इस अटैक से डर लग रहा है। क्वीन गलत जा रही थी पर सही आ गई है, स्टोन स्लैमर के साथ कर रहा है बैटल, ब्लिम भी यूज नहीं कर रहा, डर नहीं रहा है बिल्कुल भी टीएस से। पर ड्रैगन का फायदा यह है कि आर्चर्स को 1 सेकंड में वाइप आउट कर देंगे सुपर ड्रैगन्स। एज मार दिया है, वॉर्डन एबिलिटी बचा के रखी अभी तक, अब यूज करेगा ये
विन की एबिलिटी भी नहीं जा रही है यार, ये तो ट्रिपल है, ये बेस नहीं बचेगा, कोई तरीका ही नहीं है ना बचने का। हाईली ओवर पावर ओवर किल कर दिया यहां पे इस बेस को इसने, बाप रे बाप, वेरी डेंजरस अटैक, वेरी वेरी डेंजरस अटैक। रॉयल चैंपियन बची हुई है क्योंकि अभी विन के पास एबिलिटी बची हुई है। रॉयल चैंपियन आ गई है, हेड एंटर कोई नहीं है, रॉकेट रून बचा के रखा है। इस अटैक के बाद मामला गंभीर हो जाएगा, वो दो अटैक के बाद 5 स्टार हो जाएगा, परसेंटेज में हम आ गए हैं, 3 स्टार हो जाएगा ना, ये हो जाएगा यार, टाइम फेल भी नहीं होगा। बहुत ही गंभीर हो गया भाई मामला, 99 100। चलो जी अपने अटैक का टाइम हो गया, हीरोज को बूस्ट कर देते हैं ताकि मेरा किंग 90 लेवल का हो जाए। विन को डिप्लॉय करते हैं, एयर डिफेंस टेक डाउन करना मेरे को, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, ज्यादा थोड़ी सी पनल बना देगी क्वीन। आर्चर्स भर रखे हैं इन्होंने भाई साहब, इलेक्ट्रो ड्रैगन तो गलती से कर दिया ना, भूत बना देंगे आर्चर्स। बढ़िया फनल बना रही है क्वीन, जब तक फनल बना रही है बना दूंगा। बस इतनी फनल बहुत है, रेज मारना पड़ेगा। देखो आर्चर्स निकल निकल के आ रहे हैं भग भग के, भाई साहब मम्मी भी तो मेरे सारे सवाल तभी पूछते जब मैं अटैक करता हूं, उससे आगे पीछे नहीं पूछेगी। टोर्नेडो ना आ जाए बस, पीएच आ गया। चलो क्वीन के पास एबिलिटी है, अल्टी टारगेट आते आते रह गया, किंग के पास भी एबिलिटी है, किंग की एबिलिटी तो दे ही देता हूं। ऑयल चैंपियन को बचा के रखना पड़ेगा, पर यार आखिरी में रेज टावर है, उससे क्या करूं मैं, उससे कैसे बचूंगा ये समझ नहीं आ रहा। बेबी ड्रैगन मैंने बचा के रख रखे हैं अभी, यहां पे जो रेज टावर है वो असली खतरा। भाई 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 बहुत क्लोज चल रहा है अटैक, एक बेबी ड्रैगन डालना पड़ेगा इधर, इनविजिबल तो डाल दिया मैंने, तीन स्टार हो जाए नमा, टाइम फेल ना हो जाए नमा। 98 भाई साहब, इधर है मेरा चश्मा, बहुत टेंशन हो गई थी इस अटैक में, क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल जैसे ही चल रहा है। बीबी डिक के ऊपर आ गया यहां पे अटैक, चश्मा रख के भूल गया हूं मैं ये रहा। अलग लेवल का ड्रामा यहां पे चालू है इस वॉर में भाई,
एक अटैक फेल हो जाए इनका, इनका यहाँ पे एक अटैक फेल हो गया तो बहुत प्रेशर आ रहेगा, क्योंकि हमारे तीनों अटैक एक 96% है, दो ट्रिपल है, एक अटैक और फेल हो गया ना तो बहुत टेंशन हो जाएगी यहाँ पे इनको, और उससे पहले फेल होना चाहिए। अरे यार ये एक्सपो इस पे लॉन्च, सही है सही है सही है, फ्रीज लगेगी इसकी, पर उससे पहले यार ये उसको निकाल लेगा। इस गोलम पे लॉक हो गई है एक्सपो, कैटर को निकाल लेगा, फ्लेम फ्लिंगर छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, पर आर्चर चल रहे हैं भाई यहाँ पे। चार सुपर मिनियन डैमेज तो दे रहे हैं पर किंग को दे रहे हैं, और किंग मरने का नाम लेगा नहीं क्योंकि फीनिक्स है उसके पीछे। आर्चर्स फंसे हुए हैं, अच्छी बात यह कि एकदम गलत कंपार्टमेंट में एंट्री ले गए हैं आर्चर्स, और सही कंपार्टमेंट में सिर्फ क्वीन गई है, और बुरी बात यह है इनके लिए कि वार्डन भी आर्चर्स के साथ लगा हुआ, टाउन हॉल पे कुछ गया ही नहीं है अभी तक। क्वीन से टीएच निकलेगा नहीं, आर्चर्स टीएच निकल दिया यार, एबिलिटी थी क्वीन के पास, दिमाग खराब हो गया, एबिलिटी कहां से, ध्यान ही नहीं गया मेरा तो, मेरे का एबिलिटी कहां से बची हुई थी। एक रेस दो फ्रीज अभी भी है, ये तीन स्टार हो सकता है अभी भी देख के तो मेरे को यही लग रहा है। मिनियन देख रहे हो, डैमेज देख रहे हो मिनियन का, आर से बची नहीं मेरी, आर से मर गई बेचारी। चैंपियन की हेल्थ खतरे में है पर भाई तीन स्टार है ये भाई साहब, ऐसे हालात में जाकर ट्रिपल कैसे मार रहा है ये, टाइम फेल हो सकता है तो बस। चलो चलो कैनन कुछ कर रही है पर करने से पहले मर जाएगी, मार दो यार इसे एक एक एक, ये जीरो एचपी वाला भाई साहब, ये जीरो एचपी पे देख रहे हो मर के नहीं दे रहा, यहां से ट्रिपल हो गया तो मेरा तो विश्वास उड़ जाएगा भाई। 98 बस 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 मैं खुश हूं, 99 पे बहुत खुश हूं मैं। बीबी डिग जैप मार दिया, रॉयल चैंपियन को टेकडाउन करने के लिए छिपकली लगा रखी है भाई बुड्ढे के ऊपर, छिपकली ने टेकडाउन करवा दिया है रॉयल चैंपियन को विदाउट यूजिंग एनी स्पेल, बढ़िया बात है ये। और भाई रेज टावर एक्टिवेट हो गया, ये काम बढ़िया हो गया, रेज टावर जब जब एक्टिवेट होता है तो मेरे को मजा आ जाता है भाई, कि आर्मी के ऊपर डैमेज कम पड़ता है उसके बाद। फ्लेम फ्लिंगर की प्लेसमेंट देखो, स्कैटर शॉट को डैमेज दे रही है और मोटर से बची हुई है। आर्चर देखो कितने भर रखे हैं इन्होंने, आर्चर्स के शौकी ही नहीं है, फेवरेट ट्रूप है इनका आर्चर। इलेक्ट्रो टाइटन के लिए कुछ नया पर आर्चर गाड़ के रख देती है इलेक्ट्रो टाइटन आर्चर्स को, टेम्पलिंगर फटने वाला है, सीसी में पता नहीं क्या होएगा भाई। पॉकेट वाले वो हैं मिनियंस, सुपर मिनियन यानी कि टीएस को टेकडाउन कर लिया गया, आरसी की एबिलिटी खतरे में है, ग्राउंड स्केलेटन निकल गई है वहां पे बहुत सारी, इसी तरह जान बची है आरसी की। अपोनेंट का किंग परेशान कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, और मोनोलिथ भी वहीं पे है भाई, और बीबी डिक के पास क्वीन एबिलिटी बची हुई है यार। तीन स्टार लिख रहे हो इस अटैक को एक बार जरा मेरे कहने पे आप, टीएल के की जान खतरे में है अब, सेमीफाइनल में घुसते हुए नजर आ रहे हैं हम इस अटैक के बाद, बिल्कुल यकीनन
एक डिफेंस और मार्केट में सुपड़ा साहब। भाई साहब ये वाला अटैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोबो का, बोबो फ्रॉम TLK। ये बेस अगर डिफेंड कर गया तो मैटर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। WCC यूरेका लीग के सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे हम। क्वार्टर फाइनल के बाद क्योंकि सेमीफाइनल ही आता है। टू स्टार 99% भी डिफेंड कर गया ना, ओ मैटर खतरे में आ जाएगा यहां पे। फ्रीज एंड पॉइजन दोनों लग चुकी हैं और क्वीन यहां पे एबिलिटी के साथ बच चुकी है। किंग मर गया है, नाइस इनविजिबल फॉर द क्वीन। एक और इनविजिबल लगानी पड़ी है भाई और रेज भी लगा दी, एबिलिटी को बचा के रख रहा, जाने नहीं दे रहा। अभी ये बेवकूफी कर दी अभी इसने, ये सारे स्पेल यहां पे लगा दिए है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब TH कैसे आएगा पता नहीं। TH का आना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्वीन क्योंकि यहां पे मर जाएगी। और नहीं, फीनिक्स लगा हुआ है क्वीन के पीछे, बेहतरीन, आई लाइक इट। फीनिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया, पर फीनिक्स ने गेम चेंजर साबित हुआ है। रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी अभी भी, तीन स्टार की तरफ जा रहा है अटैक। तो किंग को टेकडाउन कर लिया रहेगा, मरे हुए मैच में जान डाल दिए बोबो भैया ने। नई वाली मशीन के साथ सुपर ओवरराइडर्स हैं भाई, नई वाली मशीन में बिल्कुल जान आ गई है एक मरे हुए वॉर के अंदर, जो अभी तक वन साइडेड चल रहा था, पर थोड़ी सी जान तो जरूर आई है। लो जी हमारा फाइनल अटैक आ गया और इसी अटैक के ऊपर ये वॉर डिपेंड करेगा। और इसकी आर्मी को देख के ना मेरा दिल कांप चुका है भाई, ये टाउन हॉल के पीछे से ना चला जाए क्योंकि बस टेंशन हो जाती है मेरे को। चश्मा भी उतार दिया मैंने, ऊपर आर्चर कई बार पीछे से लेके चला जाता है भाई, ये फिर तो दिमाग खराब हो जाता है, डर लग जाता है बहुत जबरदस्त वाला। पर चलो साइड से जा रहा है तो डर अभी भी है पर थोड़ा कम है। 3 इलेक्ट्रो टाइटन, 5 सुपर आर्चर्स और बैटल बिलिंग पर TH निकालने के लिए। प्लान तो काफी सेफ लग रहा है, बस जब तक टाउन हॉल नहीं आएगा तब तक मेरे दिल में धक-धक जरूर रहेगी। एक बार टाउन हॉल आ गया और ये 80% को क्रॉस कर जाए बेस अटैक, जीवन में मजा सा आ जाएगा। जंप बहुत एडवांस में डाल दिया भाई ने, कह रहा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, 2 साल पहले ही जंप डाल दूंगा। क्वीन आ गई है, आइस गोलम आ गया, किंग आ गया, इलेक्ट्रो टाइटन आ गए, आर्चर्स भी आएंगे, अब आर्चर्स भी आ गए हैं। किंग बाहर की तरफ फनल बना रहा है ताकि आर्मी बाहर ना निकले। जंप मार दी गई है बहुत पहले ही, सुपर ड्रैगन CC के अंदर, बाप रे बाप, कौन ही रखता है सुपर ड्रैगन। TH आ रहा है एक बार जरा, TH आ गया, चलो भाई आधी टेंशन कम हो गई है। और एक बार ये मल्टी और आ जाए बस, फिर ट्रिपल ही लिख दूंगा मैं इस अटैक को। क्वीन मर गई या फेल है, क्वीन मर गई तो फेल है भाई,
फिर कोई वापसी नहीं है, क्योंकि क्वीन ही होती है जो बचाती है अटैक को। क्वीन मर गई तो फिर अपना दुनिया में कौन ही बचा। इलेक्ट्रो टाइटन बेवकूफों की तरह दीवार तोड़ने में लगी हुई है। 2-3 हजार साल तो लगेंगे यहां पे इलेक्ट्रो टाइटन्स को दीवार से बाहर निकलने में। ये अच्छी बात है कि कम से कम हीलर्स ने दिमाग लगाया है और वार्डन पे शिफ्ट हो गई और वार्डन वापिस से भाई दीवार तोड़वा रहा है। यार ये बेवकूफों की खोज चल रही है भाई यहां पे। तो अभी अभी दीवार तोड़ी थी इलेक्ट्रो टाइटन ने, अभी अभी दीवार तोड़ रही थी बस, और अब दूसरी जगह जा रही है। हे भगवान, सद्बुद्धि देही, इन इलेक्ट्रो टाइटन्स को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। आरसी की एबिलिटी पहले ही जा चुकी है, किंग लगा हुआ है, परसेंटेज आएगी, 3 स्टार तो नहीं आएगा, 90% हो जाएगा शायद, 89 हो गया, 89 ही रह जाएगा। यहां पे 3 स्टार की सख्त जरूरत है टीएलके को। अगर 3 स्टार मारते तो परसेंटेज पे चला जाएगा ये बोर्ड, उससे नीचे कुछ भी मारा तो मैटर खराब है भाई। फिर तो अपन आसानी से 12-13 से जीत के अगले राउंड में यानी कि सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगे डब्ल्यूसीसी के। बता रहा हूं मैं आपको, नावी को हरा के आए हैं पिछला मैच ये टीएलसी टीएलके वाले, हल्की टीम मत समझना इनको। स्कैटर शॉट आया नहीं है और आएगा भी नहीं लग रहा है। कुछ बलून्स गए तो है, अरे लग रहा निकाल ही लेंगे, ये तो निकाल लिया भाई। क्वीन के ऊपर फीनिक्स यूज कर रहे हैं, ये वाली बात मेरे को कमाल की लग रही है इनकी। क्वीन के ऊपर फीनिक्स बहुत कम देखा जाता है। क्वीन को मरने नहीं देना चाह रही है, एबिलिटी चली गई है क्वीन की, आधा मैटर तो खराब है क्वीन के लिए। रोग लॉन्चर ओपी काम कर रहा है क्वीन के लिए, इनविजिबल डाल के क्वीन को बचा लिया गया। अब इससे आगे बढ़ पाना क्वीन के लिए मुश्किल है, क्योंकि मोनोलिथ खड़ा भाई सामने और वो वोकेबल है नहीं क्वीन के लिए। क्वीन मरेगी अभी इधर ही, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी क्वीन। रोग राइडर्स आ गए हैं, छिपकली के साथ वॉर्डन चल रहा है, एक रेज बची है उसको बचा के रखना पड़ेगा, टाउन हॉल को निकालने में काम आएगी वो। लगा दिया भाई वार्डन एबिलिटी है नहीं, टाउन हॉल के आगे आर्मी बढ़ नहीं पाएगी आगे, और फिर रेज टावर और मल्टी टारगेट इन्फर्नो है, इसका मतलब ये बेस डिफेंड करेगा। सही बताऊं तो 3 स्टार भी हो जाता ना तो अभी परसेंटेज हमारी इतनी थी कि हम हारते नहीं भाई। ये तो देखो, छोड़ो इस अटैक को, अब मैं आपको परसेंटेज दिखाता हूं, 97% चल रहा था हमारा। हमने जो 2 अटैक हमारे फेल हुए हैं, एक 89% हुआ है, एक 96 हुआ है। अपोनेंट के जो 2 अटैक फेल हुए हैं वो 76 लो परसेंटेज हुआ मेरे बेस पे, और एक 99। तो हमारी परसेंटेज ऑलरेडी इन लोगों से बहुत ज्यादा थी। 2 स्टार 80% करना था हमको जीतने के लिए, ऑलरेडी 89% कर दिया था। मुस्तफा भाई साहब ने हारने का कोई चांस नहीं था। तो WCC के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है तुम्हारी भाई टीम, तुम्हारी टीम, हमारी नहीं आपकी टीम, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं हम लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता के भी। बाय।